जी, गुड आफ्टरनून टू डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम. दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट 3. सब्जेक्ट नेम इज द थर्मोडायनेमिक्स. आउटलाइन ऑफ द टुडे लेक्चर: बैरल कैलोरीमीटर, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, कंबाइंड सेपरेटिंग एंड द सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर. तो कितने तरह के मेथड्स रहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करने के लिए, ये अपने को देखना है. तो देयर आर द नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर यूजिंग फॉर द मेजरिंग द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम. स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होती है, ये इसको मेजर करने का तरीका है कि जब भी पानी गर्म करते हैं तो वो सेचुरेशन कंडीशन में पहले आता है. सेचुरेशन कंडीशन से वो वेट कंडीशन पे आता है. वेट कंडीशन में उसकी ड्राइनेस जो है देखी जाती है. तो वेट कंडीशन पे उसकी ड्राइनेस आपकी 0 से लेके या 10% से लेके या 5% से लेके आपकी 100% तक हो सकती है. तो 0% यदि ड्राइनेस है तो वहाँ पे किसी भी तरीके से वेट स्टीम नहीं बन रही है, या बोलना चाहिए वहाँ पे पूरी तरीके से सेचुरेटेड वाटर है और वहाँ पे कोई भी स्टीम नहीं है या वेपर पार्टिकल नहीं है. दैट इज कॉल्ड अ सेचुरेशन कंडीशन और स्टीम हैविंग द ड्राइनेस फ्रैक्शन 0%. और यदि स्टीम की कंडीशन जो है 100% ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गई है, तो इसका मतलब वहाँ पे वाटर जो है पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है. तो देयर आर द टू कंडीशन. और इसके बीच की जो कंडीशन रहती है 0 से 100 कंडीशन के लिए, उसमें जो रहता है वाटर के पार्टिकल जो है वो वेरी करते रहते हैं. यदि 10% बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि 10% आपकी जो है स्टीम बनी है, 90% उसमें वाटर है. 20% यदि बोलेंगे तो 20% का मतलब आपकी स्टीम जो है पार्टिकल 20% आ चुके हैं, 80% वाटर है. तो इस तरीके से ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है इम्प्रूव होती चली आती है. 100% का मतलब ये रहेगा कि वहाँ पे वाटर 0% हो गया है, 100% स्टीम है या वेपर है. तो देयर आर द 4 मेथड ऑफ द डिटरमाइनिंग द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम. फर्स्ट इज द बैरल कैलोरीमीटर, सेकंड इज द सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, थर्ड इज द थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, एंड फोर्थ इज द कंबाइंड सेपरेटिंग एंड द थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर. तो इस तरीके से कैलोरीमीटर इस्तेमाल किए जाते हैं. तो सबसे पहला ये बैरल कैलोरीमीटर है. यहाँ पे जो रहता है पानी को कुछ निश्चित क्वांटिटी का जो पानी रहता है फिक्स अमाउंट का, उसको कैलोरीमीटर में डालते हैं. और फिर कुछ जो स्टीम रहती है उसको हम मेन पाइप से अंदर कैलोरीमीटर में लेते हैं. दोनों आपस में मिक्सअप होते हैं, स्टीम एंड वाटर मिक्स टुगेदर, एंड सो कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम टेक प्लेस. तो फिर स्टीम का जो कंडेंसेशन है वो स्टार्ट करता है एंड जो पानी का जो मास है वो कैलोरीमीटर में इंक्रीज कर जाता है. तो लेटेंट एंड सेंसिबल हीट ऑफ द स्टीम इज गिवन टू द वाटर एंड इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज. तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो स्टीम का बढ़ जाता है. तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि कौन सी स्टीम ने हीट जो है अपनी लॉस करी और किसने हीट को गेन किया. तो हीट लॉस बाय द स्टीम, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय द स्टीम इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द वाटर एंड द कैलोरीमीटर. दिस इज द एनर्जी बैलेंस और दिस इज द significance of this calorimeter. So amount of heat loss by the steam is equal to the heat gain by the water and the calorimeter. The dryness fraction x of the steam can be calculated. X is equal to mw plus mc cpw t2 minus of t1 minus of ms cps ts minus of t2 upon ms into hg. This is the main formula of the barrel calorimeter, where mw is the mass of the water, mc is the mass of the calorimeter, cpw is the specific heat of the water, T2 is the final temperature, T1 is the initial temperature, MS is the mass of steam, CPS is the specific heat of the steam, TS is the saturation temperature of the steam, T2 is the final temperature upon mass of steam to the enthalpy of the dry steam. Okay, this is the formula for the barrel calorimeter. So this is the arrangement of the barrel calorimeter. ये इसका arrangement दिखाया गया है कि steam it is flowing from the steam main pipe. यहाँ से steam निकल के आ रही है. पानी जो है कैलोरीमीटर्स में है. दिस इज द कंट्रोल वाल्व, जिससे कि स्टीम की सप्लाई जो है कंट्रोल किया जाती है. प्रेशर गेज से स्टीम का जो है मास, सॉरी जो प्रेशर है वो मेजर किया जाता है प्रेशर गेज से. थर्मामीटर इट इज इंस्टॉलिंग हियर द मेजरिंग द टेम्परेचर. एंड व्हेन द जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि जरूरत पड़ रही है कि किस तरीके से उसको वर्क करेंगे, वाटर इट इज हियर एंड द रिंग इज इज दियर. प्लेटफॉर्म जो पूरी यूनिट को इंस्टॉल कर रहा है वो होल्ड कर रहा है. दिस इज हियर. तो बैरल कैलोरीमीटर जो है ये आपका यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट है, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं. प्रेशर गेज से प्रेशर मेजर कर लेते हैं स्टीम का, थर्मामीटर से मिक्सिंग होने के बाद जो भी टेम्परेचर रहता है मिक्सचर का आफ्टर द कंडेंसेशन, दिस इज द स्टेज कैन बी इंडिकेटेड बाय द थर्मामीटर. और ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजरमेंट करने के लिए हम एक साइड से बोलना चाहिए जो बीकर रहता है उसमें से इकट्ठा करके
और देख लेते हैं कितनी ट्रांसफेक्शन है स्टीम की. This is the another arrangement separating calorimeter. In this type of the calorimeter, water particles from the steam are the separated first in the inner chamber, and its mass MW can be measured. तो यहाँ से जो mass of water है उसको measure कर सकते हैं. Dry steam it is then condensed in the barrel calorimeter, and its mass and can be calculated from the differences in the mass of barrel calorimeter. So dryness fraction जो रहेगी x is equal to that is the ms upon ms plus mw. ms is the mass of steam, mw is the mass of water. This is the separating calorimeter. Limitation जो रहती it gives the approximate value of the x as the total separation of the water particles from the steam. It is not possible by the mechanical means. इसकी जो limitations रहती हैं वो ये रहती है कि जो टोटल सेपरेशन वाटर पार्टिकल्स का स्टीम में वो पॉसिबल नहीं हो पाता मैकेनिकल तरीके से, इसलिए इसका सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है. सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टीम इज पासिंग थ्रू दिस पाइप एंड इट इज डन बाय द कंट्रोल वॉल्व एंड द प्रेशर गेज इज यूजिंग फॉर द मेजरिंग द स्टीम प्रेशर. और जो बॉटम साइड्स पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कलेक्शन का रहता है कि जब कंडेंसेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसको बॉटम साइड पे कलेक्ट करके मेजरिंग ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर कर लिया जाता है. तो दिस इज द अरेंजमेंट फॉर द सेपरेटिंग कैलोरीमीटर. थ्रॉटलिंग प्रोसेस इट इज द कैलोरीमीटर इन विच द स्टीम विल बी थ्रॉटल. जैसे कि घरों में आप ठंड के दिनों में गर्म पानी जो नलों में आता है गीजर के द्वारा, तो वो वहाँ पे थ्रॉटलिंग करते हैं या सिंपल नलों से भी यदि आप पानी को निकालते हैं तो उस टाइम पे भी आप देखते हैं प्रोसेस करते रहती है आपकी कि जो वाटर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द जितना आप वॉल्व ओपन करेंगे उसके हिसाब से वाटर आ रहा है. तो स्टीम का मतलब है गीजर से यदि आपका गर्म पानी आ रहा है तो स्टीम इट इज सप्लाइंग फ्रॉम द गीजर साइड ऑल्सो. तो प्रेशर ऑफ द स्टीम रिड्यूस आफ्टर द थ्रॉटलिंग. तो थ्रॉटलिंग करने के बाद नल को खोलने के बाद जो स्टीम का प्रेशर रहता है वो थ्रॉटल करने के बाद कम हो जाता है. प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम बिफोर एंड आफ्टर द थ्रॉटलिंग इज मेजर. जो प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम का रहता है आफ्टर द थ्रॉटलिंग और बिफोर द थ्रॉटलिंग उसको हम मेजर कर सकते हैं. एंथैल्पी ऑफ द स्टीम बिफोर एंड आफ्टर थ्रॉटलिंग रिमेंस अ कांस्टेंट. एंथैल्पी जो रहती है स्टीम की बिफोर और आफ्टर थ्रॉटलिंग कांस्टेंट बनी रहती है. टू मेजर द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द कंडीशन ऑफ स्टीम आफ्टर द थ्रॉटलिंग मस्ट बी सुपरहीटेड स्टीम. जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की कंडीशन स्टीम की है आफ्टर थ्रॉटलिंग उसको सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर लिया है. एंथैल्पी ऑफ जो स्टीम है बिफोर द थ्रॉटलिंग और एंथैल्पी ऑफ स्टीम आफ्टर थ्रॉटलिंग जो है वो आपकी कांस्टेंट बनी रहती है क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस है. लिमिटेशन की यदि बात करेंगे तो स्टीम मस्ट बिकम द सुपरहीटेड आफ्टर द थ्रॉटलिंग. ये पूरी रहती है कि आफ्टर द एक्सपांसन या थ्रॉटलिंग करने के बाद जो स्टीम की कंडीशन है वो सुपरहीट हो जाती है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर द स्टीम कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ द वाटर पार्टिकल. जिसका कि बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है कि हम उसके वाटर पार्टिकल को पूरी तरीके से कैरी ऑन कर सकें. दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर जिसमें कि आप देख रहे हैं इस तरीके से अरेंजमेंट के द्वारा स्टीम को पास यहाँ पे करते हैं और आफ्टर द कंडीशन एक्सपांसन होने के बाद स्टीम विल बी सुपरहीटेड एंड इट कैन बी मेजर बाय द थर्मामीटर. यहाँ पे स्टीम का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं आफ्टर द थ्रॉटलिंग प्रोसेस एंड द एग्जॉस्ट इज टेकिंग प्लेस द बॉटम साइड ऑफ द अरेंजमेंट. बॉटम साइड अरेंजमेंट जो भी रहता है इसके यहाँ से जो टेम्परेचर है वो देख लिया जाता है, सॉरी स्टीम की कंडीशन देख ली जाती है, इसको कलेक्ट कर लिया जाता है. एंड द थ्रॉटलिंग वॉल्व दिस इज द इंस्टॉलिंग एंड बिटवीन गोइंग टू द यूनिट. द सैम्पलिंग ट्यूब इट इज फॉर द स्टीम सप्लाइंग फॉर द आउटसाइड एंड द एनुलर स्पेस दैट इज द इनसाइड ऑफ द दिस अरेंजमेंट. आउटर चैम्बर इज दिस साइड. मैनोमीटर फॉर द यूजिंग फॉर द प्रेशर हाइट या बोलना चाहिए जितना भी आपकी डिफरेंसेस आ रहे हैं अंदर अरेंजमेंट्स में उसको मेजर करने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. उसकी हाइट के लिए एच का यूज किया जाता है. एंड द कम्बाइंड लास्ट वन इज द कम्बाइंड सेपरेटलिंग एंड द थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर. दिस इज द अरेंजमेंट जहाँ से कि आपने सेपरेटिंग कैलोरीमीटर से जो ड्राइनेस ली थी दैट इज कॉल्ड एक्स वन दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेपरेटिंग कैलोरीमीटर एंड एक्स टू इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम मेजर फ्रॉम द थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर. तो आपके थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से जो भी ड्राइनेस निकल गई थी वो दैट इज द एक्स टू. तो एक्स वन एंड एक्स टू दैट इज द कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कैलोरीमीटर एंड आफ्टर द कम्बाइनिंग दैट इज कॉल्ड अ मेजरमेंट ऑफ द कम्बाइंड सेपरेटिंग एंड द थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर. And the limitation of the separating and the throttling calorimeter can be overcome if they are used in the series. इसको यदि एक सीरीज में इस्तेमाल किया जाता है as used in this type of the calorimeter, it gives the accurate estimation of the dryness fraction. Then x is equal to x1 into x2. x1 that is the formula h2 minus of hf1 plus cps t superheated minus of the t saturation upon the hfg1
This is the X1, transfection is coming from the separating calorimeter. X2 is the transfection of steam measured from the throttling calorimeter, that is X2 is equal to MS mass of steam upon mass of steam plus of the mass of water, that is the fundamentals frictions factor that is coming from the throttling calorimeter. So this is the arrangement separating ke liye yahan pe arrangement rehta hai jo aap dekh rahe hain. This is the arrangement of the separating calorimeter and this is the arrangement of the throttling calorimeter. तो दोनों को यदि कंबाइंड कर जाएगा तो बन जाएगा कंबाइंड सेपरेटिंग इन द थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर. तो दिस इज द फंडामेंटल अबाउट द हाउ कैन वी मेजर द ट्रांसफेक्शन ऑफ द स्टीम फ्रॉम द पाइप्स एंड द अनदर डिवाइसेस. तो यहाँ पे कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया गया था ट्रांसफेक्शन को मेजर करने के लिए. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे. तो दिस इज द फंडामेंटल. तो थैंक यू. दिस इज द टुडे लेक्चर्स.